यू, नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। अब जैसा कि आप जानते ही है कि थोड़े ही समय में मानसून की तो जो बरसात है वो शुरू होने वाली है, तो ऐसे में आपको आपके ऑर्चर्ड में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक समस्या है फंगल डिजीज, यानी कि जो आपके पत्ते हैं मानसून की बरसात के बीच में ही सारे के सारे गिर जाते हैं जमीन पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे के पत्तों पर लगती है कुछ एक बीमारी या कुछ एक फंगस, जिसमें से कि स्कैब एक मुख्य बीमारी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कैब के बारे में कि स्कैब क्या है, किस तरह से काम करती है, क्योंकि ऐसे में हमारे लिए इसको जानना, इसको समझना बेहद आवश्यक है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे स्कैब के बारे में, कैसे काम करती है और इसका काम करने का तरीका क्या है और हम इसे कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि स्कैब क्या है, स्कैब एक फंगस है, एक फंगल डिजीज है जो पौधे के पत्तों पर तो लगती ही है, साथ ही साथ में यदि ज्यादा इसका अटैक है तो ये फल पर भी लगती है, फल को भी ये प्रभावित करती है, यानी कि फ्रूट्स पर भी अपने ये कुछ एक सिम्बल्स बनाएगी, कुछ एक लक्षण दिखाएगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा फ्रूट भद्दा हो जाता है, पूरा का पूरा फ्रूट आपका गंदा हो जाता है। तो जब ये बीमारी इस हद तक परेशान करती है तो क्यों ना इसे समझा जाए। अब बात करते हैं कि जो फंगल डिजीज है किस तरह से ये काम करती है। देखिए, ये क्या करती है, सर्दियों का समय ये अपना नीचे जमीन में बिताती है, उसके बाद जब गर्मियां शुरू होती है तो ये वाष्प के साथ ऊपर आती है और पत्तों पर रहती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट तक ये जैसे तैसे अपना गुजारा चला लेती है, क्योंकि इसको काम करने के लिए चाहिए होती है नमी, मॉइस्चर और साथ ही साथ चाहिए होता है टेम्परेचर, 16 से 23 डिग्री के बीच का ये टेम्परेचर इसे चाहिए होता है। अब क्या, जैसे जैसे आपका मॉनसून का सीजन बीतता है, बारिशें हो रही होती है, पौधे के पत्ते को ये तेजी से खराब करती है और आपके पत्ते, पौधे के पत्ते जल्दी ही जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण कि ढेर सारा नुकसान, बहुत नुकसान पौधों को, पत्तों को झेलना पड़ता है, पौधे को झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप स्कैब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो पौधे की कैनोपी है, जो पौधे की शेप है, उसको कुछ इस तरह से मैनेज करना होगा। कैनोपी को मैनेज करने से क्या होता है, सबसे पहले तो जो धूप है वो पौधे के हर एक भाग तक पहुंचेगी। अब आप कहते हैं कि मानसून के समय पर सूरज दर्शन नहीं देता है, सूर्य नहीं प्रकट होता है, तो धूप कहाँ से पहुंचेगी। तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि साथ ही साथ में एयर सर्कुलेशन, यानी कि हवा तो उस समय घूमती ही है, हवा तो आपके ऑर्चर्ड में आती ही है, तो यदि पौधे की कैनोपी डेंस नहीं है, पौधे की कैनोपी खुली हुई है, तो एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगा और जो पत्ते भीगे हुए हैं वो सूख जाएंगे, जिससे कि जो स्कैब है उसका काम करने की जो प्रोसेस बना हुआ था, काम करने की जो स्पीड थी वो रुक जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से स्कैब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आपको पौधे की कैनोपी पर ध्यान देना है, कैनोपी मैनेजमेंट आपको करना है। ये आप कर सकते हैं समर प्रूनिंग के थ्रू कर सकते हैं, और विंटर प्रूनिंग जब आप करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि मेरे ऑर्चर्ड में प्री मैच्योर रिफॉल हुआ था, इस वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ था। तो विंटर प्रूनिंग करते समय भी आपको पौधे की कैनोपी को डेंस नहीं रखना है, उसकी कैनोपी को खोलना है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको, यदि आपको जिस समय से सिम्टम्स दिख रहे हैं उसी समय से आपको उसको क्योर करना है, उसी समय से आपको आपके ऑर्चर्ड में जाते रहना है, देखते रहना है, वहां से ही आपको उसको क्योर करते रहना है। आप लस्सी, खट्टी छाछ का यूज कर सकते हैं एज ए फंजीसाइड उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो, यदि आप केमिकल फंजीसाइड का यूज करेंगे तो उससे आपके ऑर्चर्ड में प्रीडेटर्स नहीं रहेंगे, प्रीडेटर्स आपके ऑर्चर्ड से भाग जाएंगे, तो कम से कम केमिकल का यूज कीजिएगा, ताकि स्कैब जो है वो आपकी अच्छे से कंट्रोल हो जाए, आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो इस तरह से कैनोपी को मैनेज करके आप स्कैब और अन्य जो फंगल डिजीजेस होती है उससे, उस पर से आप क्योर पा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका भारी नुकसान होने से बच सकता है। तो ये थी नॉलेज स्कैब के बारे में, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जरूर ये हेल्पफुल रही होगी। यदि आप इसी तरह की और एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड या प्राकृतिक कृषि से, SPNF से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, जिसको बाय करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जो किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
ताकि आप जल्दी जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और वहां से आगे की डिटेल्स आपको शेयर की जाए। साथ ही साथ में ग्रुप में आपको फ्री वेबिनार्स दिए जाते हैं अलग अलग विषय पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करके जाइएगा। तो आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।